बिहार के पूर्व मंत्री और राजद के वरिष्ठ नेता रमई राम का गुरुवार को निधन हो गया। काफी समय से बीमार चल रहे 81 वर्षीय रमई राम पिछले दो दिनों से पटना के मेदांता अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती थे। गुरुवार को अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। 9 बार विधायक रह चुके रमई राम, लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और नीतीश कुमार की सरकार में अलग अलग 5 बार कई विभागों की जिम्मेदारी संभाल चुके थे। उनके निधन पर सीएम नीतीश कुमार, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत कई राजनेताओं ने गहरी शोक संवेदना प्रकट की है। रमई राम के निधन की जानकारी खुद राजद नेता तेजस्वी यादव ने ट्विटर पर दी है। तेजस्वी ने अपने ट्वीट में लिखा, वरिष्ठ समाजवादी नेता, पूर्व मंत्री और 9 बार विधायक रहे आदरणीय रमई राम जी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ, जो एक कर्मठ और समर्पित राजनेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति एवं परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति ओम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पूर्व मंत्री रमई राम के निधन पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि स्वर्गीय रमई राम का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे मंत्रिमंडल में मेरे साथ सहयोगी के रूप में रमई राम ने बहुत बेहतर कार्य किया। रमई राम 1972 में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पहली बार विधानसभा चुनाव जीते थे। वे लगभग 3 दशकों तक राजनीति में सक्रिय रहे। इस दौरान जनता पार्टी, लोकदल, जनता दल, RJD, कांग्रेस, लोजपा और JDU के साथ VIP में भी रहे। उन्हें RJD मुखिया लालू प्रसाद यादव के सबसे करीबी नेताओं में से एक माना जाता था। रमई राम कुल 9 बार विधायक रहे। उन्होंने 3 बार राजद के टिकट, 1 बार जदयू के टिकट, 2 बार जनता दल के टिकट और इसके अलावा 3 अन्य दलों के प्रत्याशी के रूप में जीत हासिल की। हालांकि साल 2015 और 2020 में लगातार 2 बार उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। 2015 में निर्दलीय प्रत्याशी बेबी कुमारी ने इन्हें पटखनी दी तो 2020 में VIP की मुसाफिर पासवान से इनकी पुत्री गीता कुमारी हार गईं। बोचहा को रमई राम का किला कहा जाता था। बोचहा विधानसभा क्षेत्र का सर्वाधिक समय तक प्रतिनिधित्व करने वाले रमई राम ने पिछले उपचुनाव में बेटी गीता देवी को VIP का उम्मीदवार बनाया था। साल 1944 में जन्मे रमई राम लंबे समय तक राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रहे। उनके निधन पर शोक की लहर है।